नमस्कार साथियों साथियों विपक्ष में बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी इतना कमजोर कभी भी नहीं था। सत्ता इतनी ताकतवर देश में कभी भी नहीं थी। खास तौर पे चुनाव के ऐलान के बाद इस भारत देश के किसी भी चुनाव को आप परख लीजिए, विपक्ष के तेवर चुनाव ऐलान के बाद काफी तीखे हो जाते थे। और सियासी तौर पर विपक्ष जब सड़कों के ऊपर निकलता था तो इस भारत देश का मीडिया हो चाहे इस देश में चुनाव संपन्न कराने वाला इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग हो, इस भारत देश के भीतर में नौकरशाही हो या इस भारत देश के भीतर हर संस्थान को संभाले हुए बड़े बड़े नौकरशाह अपने तौर पर सियासी परिस्थितियों को आंकते जरूर थे। और चुनाव के समय तो इस भारत देश के भीतर में इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या फिर कॉरपोरेट हो, वह भी परिस्थितियों पर नजर काफी पैनी रखता था कि पता नहीं इस चुनाव के भीतर क्या कुछ होगा। लेकिन आपने इस दौर में जब विपक्ष काफी कमजोर है, कांग्रेस एक हिसाब से दिवालिया है, उसके तमाम अकाउंट्स फ्रीज किया जा चुका है, उसके ऊपर लगातार मुआवजा दर मुआवजा और ब्याज दर ब्याज थोपा जा रहा है, वही दूसरी ओर विपक्ष के तौर पर इस भारत देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी कमजोरियों से भी वाकिफ है और उन सारी कमजोरियों के आश्रय इस भारत देश में राजनीति के तौर तरीकों के जरिए इस भारत देश में किस तरीके से एजेंसी निशाना साधती है वह उससे घबरा चुके हैं। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस दौर में देश में ताल ठोक कर खड़ी हुआ और कहे कि हम अपने राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे। थोड़ी बहुत ताकत ममता बनर्जी ने दिखाई जरूर थी, लेकिन उनकी ताकत के पीछे का समीकरण जो है उनको अकेले ले गया, यानी सियासी तौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा या किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। लेकिन इन सबों के बावजूद वह कौन सी परिस्थिति इस दौर में ऐसी है कि जो इस देश में मौजूदा सत्ता को डरा रहा है, क्योंकि कोई जानकारी खुले तौर पर खुलेआम सत्ता के खिलाफ इस समय आ नहीं रही है। ऐसा कोई भी फैसला आप सुन ही नहीं पाते हैं जिसमें सत्ता को न्यायपालिका के जरिए बहुत बड़ा झटका लग जाए। इस दौर में किसी भी जांच एजेंसी के जरिए या किसी भी सरकार के अपने नौकरशाहों के जरिए जो उनका अपना काम है, चाहे वह सीएजी ही क्यों ना हो, आपने कोई रिपोर्ट इस दौर में देखी परखी बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात का डर है, इस दौर में सत्ता को किस बात का डर है जिसको लेकर के सत्ता में एक तरह से बेचैनी है कि कहीं सत्ता इस दौर में गवा न दे। वो उस दिशा में बढ़े इससे पहले कुछ बातें आपके मन में साफ कर दें। इस दौर में खास तौर पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के जो सामने आने के बाद कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी बिजनेस घराने हो, को जिसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर जिसकी मौजूदगी भारत देश के भीतर है, कोई भी इस दौर में विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक पैसा भी पॉलिटिकल फंडिंग नहीं कर रहा और पॉलिटिकल फंडिंग या चुनाव के समय भी नहीं होगी, क्योंकि जिस धारा को पॉलिटिकल तौर पर मौजूदा सत्ता ने, बीजेपी सत्ता ने बता दिया, उसका एक ही संदेश है, चुनाव तो हम ही जीतेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। तो अगर पॉलिटिकल फंडिंग विपक्ष को अगर करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा आप किस रास्ते जा रहे हैं। यानी एक हिसाब से ये आप कह सकते हैं ये धमकी भी है और शायद वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और इस भारत देश के संसदीय सत्ता की अपनी कहते हैं ना नजरियों को रखने की कोशिश भी है, जिसमें सत्ता अगर आपके पास नहीं तो आप किसी भी कॉरपोरेट से कितनी भी पूंजी ले ले उससे लौटाएंगे कैसे। अब ये खेल तो इस भारत देश में खुले तौर पर खुल चुका है, तो यहीं पर एक सवाल है कि कॉरपोरेट का एक पैसा भी पॉलिटिकल चंदा के तौर पर इस भारत देश में विपक्षी राजनीतिक दलों के पास नहीं जाएगी। विपक्ष चुनाव लड़ने के लिए उसके पास इतना पैसा है भी नहीं और अपने अपने राज्यों के भीतर जहां पर छत्रकों की सरकार है वहां पर अगर चुनाव के ऐलान की तारीख के बाद से अगर आप समझना शुरू करेंगे कि ओडिशा के भीतर कितने छापे पड़े हैं, पश्चिम बंगाल के भीतर कितने छापे पड़ गए, कितने छापे इसी दौर में तमिलनाडु राज्य में पड़ गए या फिर हर उस राज्य के भीतर पड़े जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो औसत अगर निकालिएगा तो करीब 2019 की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव ऐलान के बाद ईडी ने छापे कभी नहीं मारे थे, केवल 17 छापे पूरे देश भर में उस
दौरान मारे थे जिस दौर में 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था। इस दौर में तो छापे दर छापे और नेताओं के आसपास जो उनके अपने पॉलिटिकल करीबी हैं या फिर ये कहे जो भी बिजनेसमैन है, जो कॉरपोरेट है, जो लगता है कि वर्तमान विपक्ष की राजनीति को साधने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी फंडिंग दे सकती है, कर सकती है, तो उसकी घेराबंदी छत्तीसगढ़ के भीतर भी हो गई, उनकी घेराबंदी झारखंड के भीतर भी हो चुकी है और उनकी घेराबंदी हिमाचल प्रदेश में भी हो गई। और यह सारी घेराबंदी पंजाब के भीतर भी है जहां पर छापों की लिस्ट और फहरिस्त थमी नहीं, रुकी नहीं है। इसमें एक संदेश, चुनाव के लिए एक बराबर मैदान, समतल मैदान सत्ता और विपक्ष का नहीं है, इसके बावजूद भी किस बात का डर है। यहीं पे दूसरा सवाल उठता है कि इस दौर में चुनाव आयोग के दरवाजों को चाहे कांग्रेस खटखटाए, चाहे तृणमूल कांग्रेस खटखटाए, चाहे विपक्ष के तमाम नेता एक के बाद एक शिकायतों का भंडार पूरा पुलिंदा लेकर के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उनको उनके अनुकूल न तो जवाब मिल पा रहा है और न ही कोई कार्रवाई होगी, ऐसे कोई संकेत उन्हें मिल भी पाए। अब यहां पर आगे की परिस्थितियां कहीं और जटिल और तीखी हो जाती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी आखिर सत्ता को डर किस बात का है? वह कौन सा डर है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डरा रहा है? लेकिन इसके बाद की परिस्थिति में इस भारत देश का मीडिया भी सरकार के रंग में रंग चुका है, ऐसा कोई भी सवाल उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है जिसके जरिए सरकार से ये बात पूछा जा सके कि गवर्नेंस के तौर पे उसने क्या कुछ किया, अगर जो कुछ किया तो फिर संविधान के तौर पर इस भारत देश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अलग अलग बीमा योजनाओं तक की अगर बात की जाए, देश के भीतर जो पैसा निर्धारित किया गया है वह भी कंपनियां हड़प करके ले गई, लेकिन जनता को नहीं मिला। वो फसल बीमा नहीं बल्कि वह अटल पेंशन योजना भी हो सकती है, वो अलग अलग तरह के बीमा योजना जो शुरू की गई प्रधानमंत्री के नाम के साथ, उसका जिक्र भी हो सकता है। यहीं से बात और खतरे की घंटी की शुरुआत हो जाती है। क्या सच में इस भारत देश के भीतर में जब सरकार के कानों तक या फिर ये कहे कि इस भारत देश में पीएमओ के भीतर कोई भी जानकारी जब पहुंची नहीं रही होगी, तो क्या यह चुनाव के भीतर कहीं विपक्ष तो खत्म हो गया? सियासी तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ताकत अब बची नहीं कि वह अपने बूते खड़ा हो सके, और खड़ा होने की कोशिश होगी तो उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस दौर में यह संदेश तो बहुत साफ है। ये संदेश कैसे साफ है, इसकी एक बात, एक आवाज आज कांग्रेस के जो ट्रेजर हैं उनके जरिए आपको सुननी चाहिए कि वह शिकायत का पुलिंदा लेकर के आज पत्रकारों के सामने यह कहने के लिए पहुंच गए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा घोटाला किया तो नोटिस थमा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये पूरा मामला क्या है, इसको भी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की में क्या होता है वो सुनिए जरा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन, इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है, 4,600 करोड़। तो ऐसे में विपक्ष कितना कमजोर है कि उसकी बात को इलेक्शन कमीशन इस दौर में सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पत्रकार को सामने बैठ करके देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन मीडिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इस दौर में दुनिया भर के भीतर भारत के चुनाव के समय दो दो मुख्यमंत्री जेल में, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, इन सारे बातों का जिक्र खुले तौर पर होते होते संयुक्त राष्ट्र में भी होने लगा है। यानी ये कहे जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र, लेकिन भारत देश के भीतर आपको कोई भी आवाज इस दौर में सुनाई नहीं देगा जहां पर यह सवाल उठ रहे हो और उठाए जा रहे हो, जबकि इससे पहले हर चुनाव के भीतर विपक्ष की एक एक बात का जिक्र मीडिया करने से चूकता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी घबराहट किस बात को लेकर के है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या भारत देश की आम जनता
जिन मुफलिसियों गरीबियों में और परिस्थितियों में जी रहे हैं, क्या वो सच सामने आ जाएगा? इस भारत देश की सच्चाई क्या, हकीकत क्या है? इस देश का हर तीसरा वोटर युवा है और बेरोजगार है। तो इस भारत देश की हकीकत यह बताती है कि जो इस देश में पढ़ा लिखा नहीं है उसकी जो बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो करीब 3.4% है। जो ग्रेजुएट है, हाँ जो ग्रेजुएट है यानी जो बीए पास कर लिया है, उनकी बेरोजगारी की स्थिति 49.1%। इस भारत देश के भीतर में करीब करीब 80-82% सबको इकट्ठा कर दीजिएगा, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर को उनको अलग करके देखिएगा तो रोजगार करीब करीब 18% के आसपास ही आएगा, बाकियों के पास रोजगार नहीं। क्या डर कहीं है कि अगर इनकी आवाज अगर मीडिया में नहीं मिल रही है, अगर इस भारत देश में कहीं भी नहीं मिल रही है, सरकार अपने चकाचौंध में लगातार लपेटे हुए हैं, तो क्या यह जाग सकते हैं? क्या यह जनता की परिस्थिति में सरकार डरी हुई है? क्योंकि मसला केवल बेरोजगार और डिग्रीधारी बेरोजगारों का नहीं है। इस भारत देश के भीतर जो 8 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के तहत जिनको गैस सिलेंडर दे दिया गया, उनके भीतर की भी बहुत सारी आवाजें हैं। कई लोग दोबारा सिलेंडर खरीद ही नहीं पाए, जिनसे जो वादे किए वह पूरा हो नहीं पाया। तो क्या महिलाओं के भीतर और रसोई के भीतर की ज्वाला भी कहीं चुनाव के भीतर जाग सकती है? इस भारत देश के वह सारे युवा जो सरकार के आंकड़े बताते हैं और बैंकों के जरिए जो निकल करके आया कि मुद्रा योजना के तहत करीब 43 लाख खातों में पैसा गया है, और ये खातों को लेकर के सरकार इतनी खुश है कि हमने तो सबको रोजगार दे डाला, रोजगार तो नहीं दिया ऐसा बना दिया कि वह खुद रोजगार दे सकते हैं। तो क्या इस भारत देश के भीतर में 43 लाख बैंक अकाउंट्स जो संभाले हुए हैं, जिनको मुद्रा योजना के जरिए पैसा मिला, क्या उनके भीतर भी गुस्सा है कि बार बार पैसा अकाउंट में आ रहा है खुश हो जाए, या फिर कभी अपने पैरों पर अपनी डिग्री के जरिए अपनी मेहनत के जरिए खड़े हो पाए? इस भारत देश के भीतर सवाल किसान सम्मान निधि का भी होगा, जहां पर 2000 रुपये हर 4 महीना में दिए जा रहा है, और होते होते अब बात मनरेगा तक पहुंच जाता है। मनरेगा पर यह सवाल इसलिए भी करना जरूरी हो जाता है क्योंकि मनरेगा के भीतर दुनिया के अपने तरीके का एक अजूबा रोजगार देने का माध्यम है, जिसमें करीब करीब 25 करोड़ लोग मजदूर इस भारत देश के जुड़े हुए हैं। यूरोप के कई देश इसमें समा जाएंगे और उनके रोजगार में इजाफा इस दौर में जो कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के भीतर 230 रुपये प्रतिदिन के मिलते थे, उसको बढ़ा करके 237 रुपये कर दिए। मध्य प्रदेश के भीतर 221 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 243 रुपये कर दिए। छत्तीसगढ़ के भीतर 221 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 245 के करीब कर दिए गए। बिहार के भीतर 228 रुपये मिल रहे थे, जो कि बढ़ाकर 245 रुपये किया गया। पश्चिम बंगाल के भीतर 237 रुपये के आसपास मिलते थे, जिसको बढ़ाकर कहा गया अब अगली बार 250 रुपये मिलेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर 273 मिलते थे, उसको बढ़ाकर 297 रुपये यानी करीब 300 के आसपास कर दिए गए। राजस्थान के भीतर यह 255 से बढ़कर 266 तक पहुंच गए। हर राज्य में कमोबेश बढ़े हैं, लेकिन इन राज्यों के नाम महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनका जिक्र खास तौर पर इसलिए भी किए हैं क्योंकि यहाँ की जो है सियासी परिस्थितियां जो है वो समाज से और उसकी गरीबी से, उसकी मुफलिसी, उसकी अर्थव्यवस्था से और उनकी बेरोजगारी और मुफलिसी से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए यहाँ से सारे निकलने वाले जो भी राजनेता होते हैं वो हर बार जिक्र इस व्यवस्था में सुधार और सामाजिक जीवन बेहतर बनाने का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन इस बार आप ध्यान दीजिएगा तो इसके ऊपर सरकार चुप है, खामोश है। तो क्या भारत देश की इकोनॉमी और उसके जरिए जो भारत देश के हालात है जिसको हर दिन लोग जी रहे हैं, कहीं वह जागृत तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर इस दौर में ध्यान देंगे तो इस दौर में चुनाव का ऐलान जरूर हुआ, लेकिन सियासी तौर पर आपको चुनाव के समय जो मुद्दे रेंगना चाहिए वह कहीं भी नहीं सुनाई देगा। आप उन सारे सवालों से दूर हो जाएंगे जो इस भारत देश के भीतर में गांव, पंचायत, जिला या फिर जिला दर जिला लगातार ये सवाल जो अलग अलग जगह गूंजते हैं उससे आप रूबरू हो नहीं पा रहे होंगे। यानी ये कहे कि हर चुनाव के भीतर देश का जिक्र होता था, करप्शन मिटा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, इस बार जिक्र ये चीज नहीं हो रहा है, रोजगार देंगे इस बार जिक्र नहीं किया जा रहा है, आपके जीवन और आपकी रसोई में बहुत मदद करेंगे कोई जिक्र इस दौर में नहीं हो रहा, टैक्स कम कर देंगे कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है, डॉलर इतना बढ़ गया उसको कम करने की जरूरत है कोई भी इस दौर में जिक्र नहीं है, पेट्रोल डीजल की कम
पैसे कम कर देंगे, वो कोई जिक्र नहीं। तो सारे मुद्दे इस देश के भीतर में लोगों से जो जुड़े हुए हैं, अगर उसका कोई जिक्र नहीं है इस दौर में और मीडिया ने ब्लैकआउट कर खबर दिखाने से जो मुश्किल हालात विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी के सामने है, उनके अपने हालातों को दिखाने का तैयार मीडिया नहीं है, और इस देश में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जिसको एक कहते हैं ना समतल जगह चुनाव के लिए बनाने होंगे जो कि बेहतरीन चुनाव हो सके, जो कि शिकायत ले चुनाव आयोग के दफ्तर जो टीएमसी शिकायत लेके पहुंचते देखते कहते हैं देखिए चुनाव का ऐलान हो गया, इसके बाद तो इस देश में आदर्श आचार संहिता लग गया, इसके बावजूद भी जो तमाम सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं वो किस प्रकार से काम कर रही है, वो किसका आदेश सुन रही है? आपका आदेश है, आप तो डीएम बदल रहे हैं, एसपी बदल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर तबादली कर रहे हैं, तो वह किसका आदेश मान रहे हैं? क्या वो अपने आदेश पर चल रहे हैं या फिर सरकार पीछे से अपनी उंगलियों का हिला करके उसको आदेश देती है? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इसी दौर में इलेक्शन का ऐलान हुआ था, तुरंत एक मुख्यमंत्री, कुछ दिन के बाद दूसरा मुख्यमंत्री, कुछ दिनों के बाद इनकम टैक्स का नोटिस जो मिला कांग्रेस को, ये सारी परिस्थितियां इस दौर में बताती है कि आदर्श आचार संहिता देश में है, इलेक्शन कमीशन देश में है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, लेकिन विपक्ष यानी विपक्ष का पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी नहीं है। इस दौर में जो नजर आना चाहिए, जो नजर आ रहा है, वो सत्ता नजर आ रहा है, और सत्ता का मिजाज इस दौर में क्या है, आज उसका एक छोटा सा वानगी आपको जरूर देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करते हैं और जिक्र करते करते वह इतने आगे बढ़ जाते हैं, यह भी आपको देख लेना चाहिए एक पल के लिए। अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो ChatGPT के साथ कॉम्पिटिशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए, तो मैं AI से आगे जाने की। प्रधानमंत्री बिल गेट्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी ये कहे जिस भारत देश में 10 साल के कार्यकाल के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पत्रकारों को एक भी बार नहीं बुलाया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको जो सारे सवाल करने हैं आप कर लीजिए, हम आपको जवाब देंगे, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते 10 सालों के भीतर प्रधानमंत्री नहीं किए, लेकिन बिल गेट्स इंटरव्यू लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। तो इस भारत देश के भीतर चुनाव के ऐलान के बाद क्या आपने सियासी तौर पर इस भारत देश के भीतर जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठते हुए देखा है? और जिस बात का जिक्र लगातार करते हैं उसमें सियासी तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी नहीं है, इस बात का जिक्र इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस जो सबसे पुराने राजनीतिक दल के तौर पर इस भारत देश में है, उसको नोटिस जो कुल मिलाकर के आया वो करीब 1823 करोड़ का। उसका कहना अपने तौर पर आज ये था कि आपको तो 4000 करोड़ का ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से वसूलना चाहिए, जिस आधार पे आपने हमें नोटिस दिया उसी आधार पे आप उनसे वसूल सकते हैं, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से नोटिस दे सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं कि चुनाव तो पैसे से लड़े जाते हैं, सवाल उठता है कि इस भारत देश के भीतर में जो डेमोक्रेसी के अलग अलग पायदान है, अलग अलग स्तंभ है, यानी ये कहे जो सीढ़ियां हैं और जो पिलर्स हैं, वो दोनों परिस्थितियां चुनाव से हट गई है, और सियासी तौर पर इस भारत देश की आम जनता को ही तय करना है कि आखिरकार वह किन परिस्थितियों के भीतर अपने आप को आने वाले समय में फिट बैठते हैं, क्योंकि सियासी तौर पर ईवीएम मशीन में अलग अलग राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह तो जरूर होंगे, नाम भी होगा, लेकिन उसके साथ इस बात का जिक्र नहीं होगा कि वह उन मुद्दों को उठा भी रहा था या फिर नहीं उठा रहा था। सियासी तौर पर राहुल गांधी ने कल तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आपने मनरेगा पर 7 रुपया बढ़ा दिया। मनरेगा में उन्होंने बधाई दिया मनरेगा के मजदूरों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर जो 7 रुपये बढ़े हैं प्रतिदिन के। उन्होंने कहा हम सत्ता में आएंगे तो 200 के बदले 400 रुपये देंगे, लेकिन क्या आपने कहीं इस बात का जिक्र सुना? इस दौर में जो भी ऐलान राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कर रहे थे आपने कुछ भी नहीं सुना, वह चाहे MSP से जुड़ा हुआ बात हो,
चाहे रोजगार को लेकर के जुड़ा हुआ हो, चाहे महंगाई मुफलिसी गरीबी से जुड़ा हो, चाहे सत्ता और कॉर्पोरेट्स के नेक्सस को तोड़ने का सवाल हो, कोई भी आपके पास इसका सवाल का जवाब नहीं होगा। लेकिन हो सकता है ये बात आप नहीं सुना हो कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में उद्धव ठाकरे अलग अलग रैलियों के भीतर क्या कुछ कहते हैं। आपको नहीं पता होगा कि इस दौर में पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के भीतर क्या कर रही है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार में जो रोजगार को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे थे कि हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया, उसके आगे कोई आवाज आप तक सुनाई नहीं दे रही होगी। यानी एक है कि विपक्ष की सारी कही गई बातें इस दौर में लापता है, गायब हो जाती है और दुनिया भर के भीतर खुल्लम खुल्ला ये शोर मचता है, ढिंढोरा पिट जाता है कि भारत में चुनाव हो रहे हैं और सत्ता अपनी मनमानी पर उतरी हुई है। तो ऐसे में भारत देश के भीतर में ऐसी कोई भी मनमानी किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन जिसको दिखाई पड़ रही है उसके द्वारा कही गई बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं सुनाया ही नहीं जा रहा। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह भारत देश आकर खड़ा हो गया है जहां पर तीन चार बातें तय करनी है। यहां पर जैसे ही राजनीतिक सत्ता बनेगी वैसे ही इस भारत देश के नौकरशाह, इस भारत देश के न्यायपालिका, इस भारत देश का मीडिया एक ही झटके में बदल जाएगा और इसको बदलने की जरूरत आ गई है, क्योंकि अब सत्ता अनुकूल ही यह तीनों प्रतिष्ठान होगा और इसको बदलना जरूरी होगा। अगर सत्ता बदले, अगर नहीं बदले तो दूसरी ओर यही सत्ता रहे तो उनके अनुकूल और ज्यादा राग अलग। यह संदेश है जो सबसे बड़ा संदेश होता है। अगला संदेश होता है जो कॉर्पोरेट की जो हिस्सेदारी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए होती थी, पॉलिटिकल चंदे के जरिए होती थी, अब उसको भी निर्णय लेना है कि जिसके सत्ता रहेगी उसी को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वहीं से लाइसेंस और एनओसी निकलेगी। इससे हट करके कुछ भी नहीं, तो जब सत्ता बदले तो दूसरे राजनीतिक दलों के दूसरे कॉर्पोरेट्स होंगे, उनके कुछ अपनी चाहते होंगे, उनके लिए पॉलिटिकल फंडिंग होगी। यानी एक ही झटके में इस भारत देश के भीतर में चलने चलाने वाले संस्थान दोनों सत्ता के इर्द गिर्द ही हों, यह संदेश बिल्कुल जा चुका। एक और यहाँ पे संदेश कि क्या इस भारत देश की जनता, अगर उसने खुद को सियासी तौर पर राजनीतिक दलों में नहीं बांटा है तो वह कहाँ पर खड़ी है अब, और सियासी तौर पर उनके मुद्दे कोई सुनने को इस दौर में तैयार अगर नहीं है तब वह क्या करेंगे। ये सारे बातें जो है तब क्या करेंगे, ये सवाल ये 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, और इसी के मद्देनजर सत्ता घबराई हुई है कि कहीं देश की जनता सियासी तौर पर जागृत होकर अपने सारे सवालों को उठाते उठाते अगर पोलिंग बूथ तक पहुंचकर ईवीएम का बटन अलग दबा दे तो ये संदेश पूरे देश को क्या करती है देश की जनता, देखते रहिए। जय हिंद।